आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। परीक्षा वाणी 2024 के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की ये वीडियो है और इसमें बहुत सारी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो हैं उनको सम्मिलित करते हुए ये वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। तो देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टेड है और जो आगामी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो, देख लेते करंट अफेयर परीक्षा वाणी 2024 उत्तराखंड की वन लाइन फॉर्म में देखेंगे और इजी वे में होगी, याद जल्दी हो। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया गया था 8 से लेकर के 9 दिसंबर 2023 के मध्य। इन्वेस्टर समिट का जो विषय था वो था शांति से समृद्धि, 15 देश के राजदूत इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि G20 सम्मेलन उत्तराखंड में जो बैठक हुई थी कुल कितनी हुई थी, 3 हुई थी, जिसमें रामनगर, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर तीनों जगह ये बैठक हुई थी। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है इसको जो एरोडम लाइसेंस जो है ये प्रदान किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने जो कोस्या कोटली तहसील का नाम बदलकर जो है कैंची धाम की करने की घोषणा की है। तो जो कोस्या कोटली जो तहसील है इसका नाम अब होगा श्री कैंची धाम करने की घोषणा सरकार ने की है। वही राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, तो देहरादून में किया गया। अगला है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बीआरओ के द्वारा जो है पहला कैफे स्थापित किया गया है और उत्तराखंड राज्य का पहला हेल्थ एटीएम जो है देहरादून में जो है राज्य सचिवालय भवन में स्थापित किया गया। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का जो पहला हेल्थ एटीएम और उत्तराखंड के उत्पादों को एक नया ब्रांड नाम दिया गया, हाउस ऑफ हिमालयास। पहले जो नाम आते थे उत्तराखंड के ब्रांड नेम जो थे हिमाद्री, ग्राम मिश्री, हिलांस के नाम से आते थे, अब इसका नाम कर दिया गया हाउस ऑफ हिमालयास। वहीं क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत जो की गई है JSW फाउंडेशन ने की है और उत्तराखंड में सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण जो किया जा रहा है वो रुद्रप्रयाग के नरकोटा में किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य का जो पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र का निर्माण जो हुआ ये रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं सिल्कियारा सुरंग, जो काफी की जो सुरंग काफी चर्चा में थी, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई पूछा जा सकता है। और सिल्कियारा सुरंग चार धाम आलवेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। सिल्कियारा सुरंग का निर्माण जो नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद की है ये इसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें 8 राज्य, 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे थे। तो याद रखिएगा स्टेट के जो थे मजदूर वो 8 राज्यों के थे, कुल 41 मजदूर थे, फंसे थे 17 दिन तक। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्ट क्लिक का आयोजन जो उत्तराखंड के कहां पे किया गया, तो पिथौरागढ़ जनपद में किया गया। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष को उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध जो वैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन जो शुरू होता है कहाँ पे, तो ये गढ़वाल श्रीनगर में पड़ता है जो कि 7 दिन तक चलता है। अगला है कि अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया। नदियों उनकी जलस्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नई एजेंसी का गठन किया गया अक्टूबर 2023 में, जिसका नाम है सारा स्प्रिंग सेट रिवर रिजर्वेशन एजेंसी। और अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था थकोड़ झील का, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में कुल 4 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की, कहाँ कहाँ खुलेगा, पीठ सेट पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर और चंपावत में। 5 नए केंद्रीय विद्यालय की जो है अल्मोड़ा में 2 होंगे, जिसमें चौकुटिया द्वाराहाट में होगा और टेहरी में 2 होंगे, नरेंद्र नगर और प्रताप नगर में। वहीं पौड़ी के कोटद्वार में भी तो 5 नए केंद्रीय विद्यालय की घोषणा की गई है। अगला जो लखौरी मिर्च, अल्मोड़ा, चौलाई, रामदाना दोनों को GI टैग प्रदान किया गया। वहीं नैनीताल की मोमबत्ती को भी GI टैग प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद जो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। तो पूछा जा सकता है कि इसका ड्राफ्ट बनाने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो रंजना देसाई ने की थी। मसूरी को जो पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया था 3 अगस्त 2023 को दिया गया। वहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी से राज्य में कुल भूस्खलन जोन का उपचार किया गया जो है 23, और सबसे अधिक जो भूस्खलन हुआ था इसमें से नैनीताल में 6 हुआ था। उत्तराखंड राज्य में जो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही, तो याद पूछा जा सकता है कि बागवानी को बढ़ाने के लिए किस देश की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है कि जो लैंसडाउन का नाम बदलकर जो जसवंतगढ़ करने की मांग की जा रही है, वहीं वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना उत्तराखंड के देवप्रयाग में किया गया। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स परीक्षा वाणी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पहली वीडियो थी। इसके बाद जो है 2 वीडियो और होगी, जिसमें वेंचर पब्लिकेशन के भी करंट अफेयर्स को भी शामिल करते हुए कम समय में अगर अधिक पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहेगी। बाकी की वीडियो जो है उत्तराखंड के संदर्भ में भी आपको मिलती रहेगी और करंट अफेयर्स की भी वीडियो भी जो है आती रहेंगे, तो उसको भी जरूर पढ़िए। करंट अफेयर्स की वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आगामी परीक्षाओं के लिए। इसी साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त।